हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरे होम गार्डनिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो है इस टॉपिक पर है कि जो हमारे किचन से वेस्ट निकलता है उसकी अगर हम खाद बनाकर अपने प्लांट में देंगे तो एक तो खर्चा भी कम आएगा और कम बजट की हमारी जो है गार्डनिंग हो जाएगी और हमारे जो है जो सब्जियों के छिलके हैं उनका भी एक अच्छा यूज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पौधों में ये डालती हूँ, और भी खादें डालती हूँ और साथ में ये भी डालती हूँ। तो आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि ये किस तरह से आप बना सकते हो अपने घर में, जो कि काफी बेनिफिशियल होती है। इसे किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, चाहे वो चंपा का हो, चाहे वो कोलियस का हो, चाहे वो इसका गुड़हल का हो, किसी का भी प्लांट आप गुलाब में, सब में डाल सकते हैं। कोई बस जो है इंडोर प्लांट्स में ये खाद नहीं डाल सकते हैं, बाकी सब में डाल सकते हैं। तो देखिए, ये खाद हमने बनाई हुई है। जैसे फ्रेंड्स, ये हमारे घरों से निकलता है किचन से, तो ये किचन का वो है वेस्ट जो होता है पूरा, संतरे के छिलके हो गए, सेब के छिलके हो गए, और ये प्याज का छिलका हो गया, लहसुन के छिलके, लौकी के छिलके, ये सारे मतलब जो हमारे किचन से निकलते हैं उसके सारे छिलके हैं। तो इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक खाली बकेट लेंगे और उसमें डाल देंगे सब। ये हमने डाल दिया। अब देखिए क्या करेंगे कि इसमें जो है, जैसे हमारा ये है इतना छिलका है, तो हम इससे दुगना पानी ले लेंगे, इससे दुगना पानी ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पानी ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको हम किसी चीज से ढक करके ऐसे छोड़ देंगे 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए हम इसको जब ढक देंगे, उसके बाद जब हम इसको देखेंगे, ये 2 दिन पहले हमने भिगोया था छिलके पानी में, तो वो इस तरह का हमें मिल जाता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे यूज करना है, 2 दिन बाद ये कंप्लीट बन जाता है और इसको हम यूज कर सकते हैं प्लांट्स में। आप ज्यादा दिन भी रख सकते हो, लेकिन फिर क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें स्मेल आने लगती है पानी में। तो जब पानी में स्मेल आने लगती है तो उसका सोल्यूशन ये है, आप लोग सोचते हो खाद हमारी बेकार हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए तो स्मेल हमारी चली जाती है। तो 2 दिन बाद का ये है हमारा किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट बनेगी लिक्विड, ये फ्रेंड्स हम इसको छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का ये हमें लिक्विड मिल गया है जो कि बहुत अच्छी पेड़ों के लिए खाद है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम ये डाल देंगे तो हमारे प्लांट्स में फंगस तो नहीं लग जाएंगे, इंसेक्ट तो नहीं लग जाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 1 चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। ये हमने हल्दी ऐड कर दी, अब हमें फंगस लगने का भी कोई डर नहीं है और हम आराम से इसको प्लांट्स में यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसको यूज कैसे करना है, डायरेक्ट नहीं यूज करना है, पहले ये हमने लिया। अब देखिए, जैसे हमारा वन और 10 का रेशियो हम इसको में रखेंगे, जैसे हमारा एक एक मग हमारा ये खाद तैयार हुई है, तो हम 10 मग इसमें जो है वो डालेंगे, पानी ऐड करेंगे। ये फ्रेंड्स, इस बकेट में हमने जो है डाल लिया है, 10 मग्घे पानी डाला है और 1 मग्घा हमारी खाद है। आप ग्लास से मेजर भी कर सकते हो, 1 ग्लास हमारी खाद हो अगर लिक्विड वाली तो 10 जो है ग्लास उसमें वाटर ऐड करना है। अब हम इसको किसी भी प्लांट में दे सकते हैं बेझिझक, और ये हमारी बहुत अच्छी खाद होती है फ्रेंड्स। इसमें क्या क्या होता है, जो हमारे छिलके होते हैं किचन से निकले हुए, उसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और जितने भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब इसमें पाए जाते हैं। तो इसको हम अपने प्लांट्स में डालेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम हमें मिलने वाले हैं। जैसे ये हमने डाल दिया, देखिए ये फ्रेंड्स मैं यूज करती हूँ, इसलिए नो डाउट आप भी इसको यूज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मधुकामिनी का प्लांट है, देखिए मैं इसमें दे रही हूँ, मैं ये सारे प्लांट्स में दे रही हूँ, तो आप भी इसको इस्तेमाल करें। एक एक मग जो है सब में, कम ज्यादा रेशियो हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो है ये तो हमारा ऑर्गेनिक है, इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इसको देना कैसे है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि जो है हफ्ते में आप एक बार इसको जरूर दे दीजिए, या जब भी आप
प्लांट्स को वाटरिंग करें तो एक मग्घा इसको ऐड कर लीजिए। इस तरह से ये लिक्विड फर्टिलाइजर आप भी बनाएं फ्रेंड्स, और अपने प्लांट्स के लिए अच्छा एक खाद तैयार करें बिना किसी खर्च के। ये बन जाता है और हमारी किचन का जो वेस्ट निकलता है उसका भी बहुत अच्छा यूज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।